आज हम बनाएंगे मूली के पराठे। एक थोड़े से अलग तरीके के हैं। पहले आप मूली को काट लें, बारीक काट के उसके पत्ते और मूली दोनों को काट के उबाल लें, और उबालने के बाद उन्हें किसी छलनी, बड़ी छलनी में छान के उन्हें कस के निचोड़ लें कि वो इतने हार्ड हो जाएं, कि वो इतने हार्ड हो जाने चाहिए। मसालों में हमें चाहिए एक प्याज और मसालों में हमें चाहिए थोड़ा सा सौंफ पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। धनिया एकदम से पिसा हुआ ना हो, पाउडर उसमें नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा खड़ा हो। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और खुशबू के लिए आप उसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालें, और उसको भूनने के लिए आप अजवाइन का यूज़ करें, अजवाइन का यूज़ करें। प्याज को आप पहले बहुत बारीक चॉप कर लें। एक पैन में करीब 3 चम्मच ऑयल गरम करें। गरम ऑयल में आप 1 छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लें। अजवाइन डालने से आपको पेट में दर्द नहीं करेगी। मूली ऐसे भी बहुत कम ही रखी है वैसे, आप अपने एक और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालें। अब इसको अच्छे से भूनें, काफ़ी देर तक थोड़ी एकदम सेम आँच पर को करें। 10 मिनट तक आपको ऐसे ही भूनना है, एकदम भूनते रहना है, एकदम हल्की सेम आँच में एकदम भूनें। ये आपकी अब तैयार है भुजी स्टफिंग के लिए। अब इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, थोड़ा सा। अब गैस बंद कर दें और इसके ठंडा होने तक इसका वेट करें। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आप गेहूं के आटे को, जो आपके पास पहले से गूथा हुआ होगा, होना चाहिए, मतलब आप 2 कटोरी आटा ले लें और उसको अच्छे से मुलायम गूथ लें। बहुत ज़्यादा हार्ड गूथने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आटा थोड़ी देर पहले गूंथ के रख लेंगे, जैसे 1 या 2 घंटा पहले आप गूंथ के रखें, तो पराठे साइड से टूटते नहीं हैं। अभी इसको थोड़ा सा इसलिए चलाना ज़रूरी है, ये गरम कढ़ाई में नीचे लगेगा। अब इसको आप ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये मूली के पराठे के लिए आपको ये आपका भरावन तैयार है। अब आप इतने बड़े बड़े आटे के पेड़े बना लें, 2 पेड़े आप बना लें और उन्हें साइड से थोड़ा पतला रखें। Thank you.
थोड़ा ज्यादा स्टफिंग करें, कम नहीं। जितना ज्यादा आप स्टफिंग करेंगे उतना ज्यादा उसमें टेस्ट आता है। इसको इस तरह से एकदम पैक कर दें, ये इस तरह से आपका हो जाना चाहिए। अब आप इसे आटे में थोड़ा ज्यादा आटा शक्कर लगा के बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मेलें। और कोशिश करें कि सेंटर में ही बेलन मारें, साइड में बेलन बिल्कुल ना लगाएं। प्रेशर सेंटर में ही दें, साइड में नहीं। साइड में बहुत हल्के हल्के से आप उसको बेलें, वरना ही साइड से निकल जाएगा। कोशिश करें कि इसको दोबारा से आपको पलोथन ना लगाना पड़े, एक ही बार में आप सूखा आटा लगा दें। तब आपका गरम है। कोशिश करें कि इसको दोबारा से आपको पलोथन ना लगाना पड़े, एक ही बार में आप सूखा आटा लगा दें। तवा आपका गरम है एकदम, बिल्कुल सेम आंच में इसको सेकना है आपको। अब आप इसको देखें, समझ में आ जाएगा कि ये सिक गया है। इसको इस तरह से पलट दें, एक बार सेम आंच पे ही इसको सेकना है एकदम। जब ये अच्छी तरह से हो जाएगा कोशिश करें कि इसको आप देसी घी में सेकें। देसी घी या बटर आप यूज कर सकते हैं। सेकते वक्त एक बात का ध्यान रखना है कि आपको आंच तेज रखनी है। सेकते वक्त आपको हर जगह हल्के हल्के हाथ से प्रेशर देते हुए सब तरह से सेक। दो तीन बार अलग पलटते रहें, जब आपको लगे कि क्रिस्पी हो रहा है एकदम क्रिस्पी। तो आप आंच सेम करके इसे तवे से उतार लें। इसी तरह से आप दूसरा पराठा भी सेकें। एकदम आंच सेम रखनी है और आप इसे पसेकें। आप इसे ताजे दही के साथ और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। इवन अगर आप मीठी चटनी के साथ पसंद करते हैं तो आप इसे मीठी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, जैसे इमली की चटनी या कोई मीठा अचार, किसी आम का, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। धन्यवाद, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।